क्या हाल है मेरे प्यारे पोकी फैन भाई लोग, मैं हूँ बोल्ड एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एक नया सिटी और इस सिटी का नाम है गाइस सेरुलियन सिटी ए मिस्टर्स ब्लू ऑरा सराउंड्स इट। एंड गाइस इस सिटी में एक जिम है और इस सिटी का जिम लीडर है मिस्टी गाइस, अपना फेवरेट मिस्टी। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ऑफिसर जैनी है ना, तो चलो हम लोग बात करेंगे गाइस ऑफिसर जैनी से भी। हम लोग पहले जिम बैटल करेंगे एंड उससे पहले गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है गाइस, एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। तो चलो दिखाते हैं, जिम घुसेंगे गाइस, उससे पहले आप लोग को सरप्राइज दिखाते हैं। तो क्या लगता है सरप्राइज क्या होने वाला है? तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है ना, तो आप लोगों के डिमांड में मैं कल वेरिडियन फॉरेस्ट गया था एंड वहां पे मुझे क्या मिला आप लोग को चलो दिखाता हूं। वहां पे मुझे मिला बल्बासौर गाइस लेवल 15 भी मैंने उसको करा दिया है, मतलब फाइट कर करके। और गाइस 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 आज मेरे दो पोकेमॉन्स इवॉल्व होने वाले हैं, एक तो पीजी होने वाला है इवॉल्व, एक ऑडिश अभी नहीं होने वाला है, ऑडिश लेवल 21 में होगा, एंस्टेंट शू भी लेवल 21 में होने वाला है एंड पिकाचू लेवल 18 पहुंच चुका है। एंड बल्बासौर को अभी हम लोग पोकीबॉल से बाहर निकालते हैं गाइस। चलो बल्बासौर, ये देखो गाइस मेरे पास बल्बासौर आ गया है। तो मैंने सुना है गाइस, क्या हो गया बल्बासौर, क्या हो गया बल्बासौर, ये इधर क्यों चला गया है? द फाउंटेन इज शूटिंग आउट, व्हाट डू यू वांट टू थ्रो मनी इन द फाउंटेन। अच्छा गाइस इस फाउंटेन के बारे में मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर हम इस फाउंटेन में कुछ पैसे डालेंगे और उसके साथ साथ अपने पोकेमॉन को भी इसमें नहाएंगे तो पोकेमॉन का और मेरा प्यार बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब पोकेमॉन और मेरे बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग है, वो बढ़ जाएगा गाइस। तो मैं 500 रुपया ही देना चाहूँगा क्योंकि पोकेमॉन ज़्यादा मैटर करता है, पैसा तो क्या खैर क्या ही चीज़ है पोकेमॉन का दुनिया में, है ना। पिका पिका, आप लोग देख सकते हो पिकाचू के ऊपर में एक लव साइन आ गया है, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि पिकाचू अब, ओ क्या हो गया बल्बासौर, बल्बासौर, ओ ये इसके ऊपर भी स्टार स्टार दिखाई दे रहे। बल्बासौर सिम्स प्लीज लुकिंग एट द फाउंटेन। एंड गाइस हम लोग अभी है सेरुलियन सिटी जिम में, तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते सीन क्या होता है। आज हम लोग सीधा बैटल से शुरू करेंगे आज का वाला दिन। और आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि मुझे फेस करने वाले हैं। और सामने की तरफ है मिस्टी, यो चैंप इन द मेकिंग, मिस्टी द जिम लीडर ऑफ द सेरुलियन सिटी जिम इज अ पावरफुल ट्रेनर। आई नो यू नीड अ पोकेमॉन ऑफ एटलीस्ट लेवल 15 इफ यू वांट टू चैलेंज हर। आई हैव पोकेमॉन ऑफ एटलीस्ट लेवल 15 और उससे भी ज्यादा लेवल वाला पोकेमॉन है मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ। आपको कौन सा वाला देखना है, लेवल 19 वाला शेंशु ही दिखा देता हूँ। सो गाइस हम लोग फिर से अभी बैटल करने वाला है, शायद से पहले इस मोहतरमा के साथ फाइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओ ये गाइस, तो चलो बैटल करते हैं आज का वाला, आज का दिन का पहला बैटल गाइस, पोकेमॉन बैटल। चलो देखते हैं ये कौन सा वाला पोकेमॉन भेजने वाली है। ओह नो, मेरा आवाज तो अटक रहा है यार। ओके भेजिए भेजिए अपना पोकेमॉन भेजिए, गोल्डीन। ओके गोल्डीन को भेजी, मैं बल्बासौर को भेजना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे पास ग्रास टाइप मूव्स है और ग्रास टाइप मूव्स इफेक्टिव है वाटर टाइप के अगेंस्ट, तो मैं वाइन व्हिप का यूज करने वाला हूं। तो बल्बासौर वाइन व्हिप का यूज करो और गोल्डीन क्विक अटैक का यूज किए एंड मेरा थोड़ा सा एचपी डाउन हुआ और मेरा आप लोग देख सकते हो इट्स सुपर इफेक्टिव क्योंकि बल्बासौर का ग्रास टाइप मूव है ना। तो चलो लीड सीट का यूज करते हैं गाइस, सुपरसोनिक यूज करा लेकिन मेरे बल्बासौर ने अवॉइड कर दिया, डॉच कर दिया और मैंने लीस सीट का यूज कर दिया। अभी मेरा लीस सीट क्या करेगा गाइस, गोल्डीन के आप लोग देख सकते हो गोल्डीन से मतलब लाइफ एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एचपी एब्जॉर्ब करके अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। आप लोग देख सकते हो कैसे रिस्टोर हो रहा है बल्बासौर। तो बल्बासौर चलो गोल्डीन को खत्म कर देते वाइन व्हिप का यूज करके, फिर गोल्डीन क्विक अटैक यूज किए एंड आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत मेरा एचपी डाउन हुआ लेकिन मैंने गोल्डीन को फेंट कर डाल दिया गाइस। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि हम लोग जीत चुके हैं एंड बल्बासौर गुड प्ले। एंड चलो अभी इनके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, ये लास्ट है गाइस, फिर हम मिस्टी के साथ लड़ पाएंगे, मतलब फाइट कर पाएंगे, पोकेमॉन बैटल कर पाएंगे, ठीक है। ओके लेट्स सी व्हिच पोकेमॉन डू यू हैव, लेट्स सी, दिखाओ अपना पोकेमॉन सील। ओके ये क्यूट सा पोकेमॉन है गाइस, बल्बासौर जाओ अपना कमाल दिखाओ मेरे भाई। अब बल्बासौर फिर से वाइन व्हिप का यूज करने वाला है, बल्बासौर अरे सील तो हेडबट का यूज कर रहा है। ओके बल्बासौर फेंट हो गया है गाइस,
शिट गाइस बल्बासोर तो फेन हो चुका है, तो अपने मेन मेन वाले पोकेमॉन को भेजना पड़ेगा पिकाचू गाइस। मेरा बल्बासोर बेचारा फेंट हो चुका है, पिकाचू तो आराम से कर देगा। एंड पिकाचू के पास एक नया मूव भी है अब, थंडर वेव गाइस। तो थंडर वेव से ओ नो ये एक्वा जेट का यूज कर रहा है गाइस। ओ शिट इसने एक्वा जेट का यूज कर दिया गाइस, लेकिन पिकाचू थंडर वेव का यूज कर रहा है और ये अभी पैरालाइज हो जाएगा गाइस, मूव नहीं कर पाएगा। यस गाइस पैरालाइज हो गया है गाइस, यस शील इज अनेबल टू मूव एंड डेफिनेटली वी विल यूज थंडर शॉक एंड इस बार शायद से ये फेंट हो जाएगा। और ये फिर से ओ ये तो पैरालाइज था ना, फिर से एक्वा जेट का यूज कर दिया। वाओ सील, ये तो सील खतरनाक है, मैं बोल रहा हूँ खतरनाक है। ओ भाई सुपर इफेक्टिव मूव है, लेकिन ये सील तो डट के सामना करता रहा, मतलब इसको मारना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, हराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है गाइस। फिर से एक्वा जेट का इस्तेमाल कर रही है ये सील। ऑल राइट मैंने सील को खत्म कर दिया है गाइस, फेंट कर दिया है, हरा दिया है। और इसी के साथ साथ हम अभी मिस्टी के साथ फाइट कर पाएंगे, 103 एक्सपी पॉइंट्स मिला है गाइस। यू बीट डेजी, ब्यूटी डेजी। ऑल राइट तो गाइस मेरे पोकेमॉन्स का थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो गया है, तो हेल्थ रिकवर करना पड़ेगा गाइस। तो हेल्थ रिकवर करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेल्थ रिकवर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नट जॉय के पास। तो चलो नट जॉय के पास चलते हैं। हेलो नट जॉय, प्लीज मेरे पोकेमॉन्स का थोड़ा सा रिकवर कर लीजिए, बैटल के दौरान उनका थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो गया है। जाओ पिकाचू तुम भी। ओके नट जॉय फ्री में अभी सारे पोकेमॉन्स को रिवाइव कर रही है। ओह ये अभी सारे पोकेमॉन्स अभी रिकवर्ड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच नट जॉय, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स गो। क्या हुआ बल्बासोर? बल्बासोर मेरे को कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। चलो बल्बासोर अभी मिस्टी के साथ फाइट करने वाला हूँ। बल्बासोर तुम रेडी हो ना मेरे छोटे भाई? तो चलो लड़ते हैं मिस्टी के साथ। मिस्टी आर यू रेडी? हाउ यू न्यू फेस, व्हाट्स योर पॉलिसी ऑन पोकेमॉन, व्हाट्स योर अप्रोच? माय पॉलिसी फॉर बैटल इज एन ऑल आउट ऑफेंसिव विद वाटर टाइप पोकेमॉन। मिस्टी द वर्ल्ड फेमस ब्यूटी इज योर होस्ट, माय स्वीट पोकेमॉन आर रेडी आर यू? मिस्टी के पास स्टार मी स्टार यू ऐसे करके पोकेमॉन्स थे गाइस। लेट्स सी कौन से पोकेमॉन्स भेजने वाली है मिस्टी। साइडाक, ओके ये पोकेमॉन बड़ा फनी सा पोकेमॉन है गाइस, भूलता रहता है और मतलब बहुत ही फनी सीन्स है यार साइडाक का, क्या ही बोल सकते हो आप लोग, तो मेरे से बेहतर जानोगे गाइस। तो क्या हम लोग गाइस बल्बासोर को इवॉल्व करा पाएंगे? तो चलो वाइन ह्यूब का यूज करते। बल्बासोर कमान, ये साइडाक तो लेवल 18 का है। ओह शिट क्या ही सुपर इफेक्टिव मूव था गाइस, ये तो साइकिक अटैक यूज कर रहा है, लेकिन मैं भी यूज कर रहा हूँ सुपर इफेक्टिव मूव। ओके तो एक काम करते हैं बोल रहा हूँ मैं, लीड सीट पहले प्लान करते हैं। ओ नो शायद से, ओ नो गाइस मुझे लगा बल्बासोर डिफीट कर पाएगा, बट मेरा बल्बासोर तो फेंट हो गया गाइस। मिस्टी तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। किसको भेजे गाइस, किसको भेजे? ऑडिश को भेजे क्या? जाओ ऑडिश तुम जाओ। नहीं नहीं अभी ग्रास टाइप पोकेमॉन को भेज के कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला, तो मैं अपना थंडर पोकेमॉन को ही भेजता हूँ, इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। पिकाचू अपना काम कर दो, पिकाचू अपना काम कर दो, जाओ थंडर शॉक का यूज करो और साइडाक को खत्म करो। यस गाइस साइडाक को हमने फाइनली डिफीट कर ही दिया है, साइडाक फेंटेड एज यू कैन सी। तो अभी देखते हैं दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? स्टारमी, मैंने बोला था ना गाइस स्टार यू स्टारमी। नहीं नहीं मुझे पिकाचू लेकर के बैटल करना है, तो स्टारमी को भेजी मिस्टी। वाओ गाइस ये पोकेमॉन तो हुआ, ये गाइस एक्चुअली स्टारफिश है, रियल दुनिया में ये स्टारफिश है, एक जैम लगा हुआ है। तो चलो स्टारमी को उड़ाते हैं गाइस, ये स्केल का यूज कर रहा है गाइस। ओ नो 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 ये खतरनाक मूव है गाइस, ये खतरनाक मूव है शिट, लेकिन मैं स्टारमी को खत्म करने वाला हूँ। ओ ये स्टारमी तो खतरनाक है, लेवल 19 का है ना, और पिकाचू तो लेवल 18 का है बस। पिकाचू फिर से साई वेव का यूज कर रहा है। ओ शिट पिकाचू भी फेंटेड गाइस, पिकाचू भी फेंटेड हो गया। चलो वाटर टाइप को यूज करते हैं गाइस। वाटर टाइप क्या बोल रहा हूँ गाइस, पीजी तो फ्लाइंग टाइप है यार। ओके सॉरी माय बैड। विंग अटैक भी है, रोज भी है, चलो विंग अटैक यूज करते हैं। ये फिर से स्केल्ड यूज कर रहा है यार, प्लीज मत करो। ओ सुपर इफेक्टिव, ओ गाइस मैं शायद से हरा नहीं पाऊंगा स्टारमी को, ये खतरनाक लग रहा है गाइस, ये खतरनाक लग रहा है गाइस। ये स्केल्ड का फिर से यूज कर रहा है और इस बार मेरा पीजी फिर से गया। शिट गाइस
मेरे पास अभी सिर्फ दो ही पोकेमोन्स बचे हैं गाइस, दो ही पोकेमोन्स बचे हैं, मैन की और ऑडिश गाइस। ऑडिश करके दिखाएगा मुझे लगता है, ये ग्रास टाइप पोकेमोन है। प्लीज 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 ऑडिश करके दिखा दियो, प्लीज ऑडिश कमान। ऑडिश रेजर लीफ का यूज करने वाला है जो कि ग्रास टाइप मूव है, और ये स्विफ यूज कर रहा है गाइस। ओके तो मैं शायद से इस बार खत्म करने वाला हूं रेजर लीफ का यूज करके। यो नो 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 नो, थोड़ा सा रह गया है गाइस। कमान 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 ऑडिश, कमान कमान कमान, रेजर लीफ का यूज करो। ये फिर से स्वीप का यूज कर रहा है गाइस ऑडिश, कमान। यस गाइस, मेरे ऑडिश ने अभी सार मी को खत्म कर ही दिया है गाइस। आप लोग देख सकते हो खत्म हो गया। यस गाइस, मुझे मिल गया है कैस्केड बैच फाइनली। मुझे लगा था कि मैं हार जाऊंगा, 346 एक्सपी पॉइंट्स मिला है गाइस। वाओ, यू आर टू मच। ऑलराइट, यू कैन हैव अ कैस्केड बैच गाइस। हम लोगों को कैस्केड बैच मिल चुका है। यस पिकाचू, हम लोगों ने फिर से कर दिखाया है। तो गाइस कैस्केड बैच भी मिल चुका है मिस्ती से, और अभी मिस्ती बोल रही है कि एक कैस्केड बैच मेक्स पोकेमॉन अप टू लेवल 30 फ्रॉम अदर ट्रेनर्स लिसन टू यू। मतलब अभी गाइस लेवल 30 वाले पोकेमॉन्स भी हमारा बात सुनेगा गाइस, और स्केल जो कि स्टार में यूज कर रहा था मूव, वो भी हम लोग यूज कर पाएंगे गाइस। तो उसके लिए तो एक वाटर पोकेमॉन खरीदना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ यार, खरीदना पड़ेगा, आई मीन पकड़ना पड़ेगा गाइस। ओके थैंक यू मिस्ती। तो हम लोगों ने गाइस मिस्टी को हरा दिया, एंड तुमने बहुत अच्छा खेला बल्बसॉर। ओके हम लोग अभी ऑफिसर जेनी से बात करके देखते हैं कि मामला क्या है, और ऑफिसर जेनी इतना मतलब नर्वस क्यों दिख रही है। व्हाट अ शेम, द पीपल हियर वर रॉब्ड, समवन इवन सॉ द थीव्स एस्केप एंड दे से इट वाज नॉन अदर देन टीम रॉकेट। टू प्रोटेक्ट द पोर ओनर्स ऑफ दिस हाउस फ्रॉम फर्दर हार्म, आई वोंट बी लेटिंग एनीवन इन, not even a little ratata will sneak past. तो guys यहाँ पे चोरी करके गए हैं टीम रॉकेट वाले, पता नहीं क्या ही चोरी करके गए हैं। चलो guys, इस टाउन में शायद से काम खत्म हो गया है, तो अभी इस गोल्डन ब्रिज में जाकर के देखते क्या ही सीन होता है guys। ये तो गैरी है ना, I'm bold, you have got a, you're not gonna believe this। लेकिन क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है, मतलब खुशी के मारे रो रहा है गैरी। इतका ये क्या बोल रहा है guys? गाइस ये मेरे साथ बैटल कर रहा है गैरी। ओके गाइस, तो शायद से मैं अभी अपना बल्बसॉर को भी इवॉल्व करा पाऊंगा। एंड गाइस इसके पास भी पीजी है, मेरे पास भी एक पीजी है, तो मैं अपने बल्बसॉर को ही भेजूंगा। लेकिन शायद से नहीं लगता मेरा बल्बसॉर टिक पाएगा एक फ्लाइंग टाइप अगेंस्ट, मतलब फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट शायद से ग्रास टाइप वीक है गाइस। आप लोग देखिएगा ये सैंड अटैक का यूज कर रहा है पीजी, एक्यूरेसी फेल हो गया गाइस। मैं वाइन एप का यूज कर रहा हूँ, नॉट वेरी एक्टिव इफेक्टिव गाइस, क्योंकि मतलब फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट ग्रास टाइप मूव्स थोड़े वीक हैं गाइस। एंड ये अभी भी सैंड अटैक का ही यूज़ कर रहा है, मेरा एक्यूरेसी डाउन हो रहा है गाइस। एंड इसके पास तीन पोकेमॉन्स आ गए, तो देखना पड़ेगा कौन कौन से पोकेमॉन्स है। एक तो ईवी है, मुझे पता है, पॉइजन पाउडर का मैंने यूज़ करा गाइस, एंड ये पॉइजन हो गया है। तो अब एक काम कर सकते हैं गाइस, अभी हम अपने पोकेमॉन को स्विच कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं गाइस, डेफिनेटली आई विल स्विच माय पोकेमॉन, डेफिनेटली आई विल हैव टू डू इट, क्योंकि ग्रास टाइप पोकेमॉन्स आर वेरी वीक अगेंस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स। तो एक काम करते हैं, शेंशू का यूज करें क्या, पिकाचू का यूज करते हैं गाइस, पिकाचू का यूज करते हैं। चलो पिकाचू तुम जाओ बैटल में, बल्बसॉर तुम वापस से आ जाओ। ओके पिकाचू जा रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो पिकाचू जा रहा है अभी, और पिकाचू अभी मैदान में है। एंड ओ नो गस यूज करा, लेकिन पिकाचू इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। एंड आप लोग देख सकते हो पीजी भी पॉइजन हो गया है गाइस, एंड वो अभी पॉइजन से हर्ट होके पीजी का भी एक्सपी डाउन होता रहेगा गाइस। डबल का डबल किक का यूज करते हैं गाइस। ओके ओके, लेकिन मेरा पिकाचू बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, डबल किक का यूज करो और मैं खत्म कर दूंगा गाइस। ये देखा मैंने खत्म कर दिया पीजी को। ऑलराइट मैंने हरा दिया पीजी को, आप कौन सा वाला पोकेमॉन भेजने वाला है, चलो देखते हैं। 59 एक्सपी मिल चुका है मुझे, बल्बसॉर को भी 59 एक्सपी मिल चुका है। मैंकी ग्रू टू लेवल 10, ओके ओके ओके। पोकेमॉन ट्रेनर गैरी इज अबाउट टू सेंड आउट ऑडिश, अरे मेरे पास जो जो पोकेमॉन है तुम्हारे पास भी वही पोकेमॉन है, खाली तुम्हारे पास ईवी है और मेरे पास पिकाचू है, तो ऑडिश भेज रहा है ना, ये ऑडिश भेज रहा है। एक काम कर सकते हैं, कीप बैटलिंग यार पिकाचू, तुम ही लड़ो यार, भेजो ऑडिश को। ऑलराइट इसका ऑडिश थोड़ा गुस्सेला लग रहा है मेरे को, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एंग्री है। चलो एक काम करते हैं, फाइटिंग टाइप मूव ही यूज करते, डबल किक जाओ पिकाचू। लोग देख सकते हो नॉट वेरी इफेक्टिव मूव, बट ओके ओके,
मैं अभी थंडर शॉक का यूज करने वाला हूँ इसके बाद। पिकाचू अवॉइडेड द अटैक। वाह पिकाचू तुम तो तेज हो रहे हो यार, तो थंडर शॉक का यूज करने वाला है अभी पिकाचू। पिकाचू कम ऑन। एंड इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव गाइस, मुझे इलेक्ट्रिक टाइप यूज नहीं करना चाहिए था। ओह शिट, अभी मुझे एक फायर टाइप पोकेमॉन चाहिए था यार, चारिजार्ड है ना, तब तो मजा ही आ जाता गाइस। तो मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करना चाहूंगा, पीजी को यूज। ये ग्रास टाइप है ना, तो मैं पीजी को यूज कर सकता हूँ गाइस। मेरे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है गाइस, मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। वैसे मेरे पास दो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, एक तो मेरे पास बग फ्लाइंग भी है, वो है बटरफ्री। और ये तो एसिड पाउडर का यूज किया ना, एसिड का यूज किया, लेकिन मैं अभी विंग अटैक से इसको खत्म करने वाला हूँ। यस गाइस इट्स सुपर इफेक्टिव, क्योंकि मेरे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है गाइस। तो अब देखते हैं ये ईवी निकालने वाला है, चलो ईवी निकालो। और थोड़ा सा रह गया है गाइस, थोड़ा सा नहीं आधा रह गया है गाइस, मुझे लगा थोड़ा सा रह गया। की बैटलिंग पीजी, फिर ये पीजी ओटो बनेगा और फिर पीजी ओट बनेगा ईवी। तो इसका ईवी अभी लेवल 13 में है, मेरा पिकाचू लेवल 18 में है। चलो विंग अटैक यूज करो फिर से पीजी। ऑलराइट, लेकिन स्ट्रांग है इसका ईवी। ओके मेरा पीजी तो बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो गस का यूज करो। क्विक अटैक फिर से यूज कर रहा है ईवी, और मेरा ऑलरेडी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। ये लेवल 13 का है लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा दे रहा है गाइस। तो चलो विंग अटैक फिर से यूज करते हैं और इस बार ईवी को उड़ाते हैं गाइस। यस गाइस मैंने डिफीट कर दिया। गैरी अभी फिर से शॉक हो जाएगा गाइस, आई एम सो सॉरी ईवी, लेकिन बैटल में तो हार जीत होता ही रहता है ना। यू बीट पोकेमॉन ट्रेनर। ओके आई फील ए बीट कमर नाउ, यू गॉट 524 विनिंग। ऑलराइट अभी गैरी क्या बोलने वाला है। डीप ब्रेथ, वो मतलब लंबी सांसें ले रहे। ओके लेट मी ट्राई दैट अगेन, सॉरी इट्स नॉट लाइक मी टू लूज माय कूल लाइक दैट। देयर इज अ हाउस अप अहेड वेयर दिस फेमस पोकेमॉन फैनेटिक इज सपोज टू लिव। ओके आई वांटेड टू स्टॉप बाय बिकॉज आई थॉट मे बी आई वुड गेट टू सी सम रेयर पोकेमॉन और समथिंग। ओके बट ऑफ व्हाट आई फाउंड, एंड डोंट फ्रीक आउट व्हेन यू हियर दिस। ओके बोलो, दैट पोकेमॉन फैनेटिक बिल वाजंट देयर, instead there was a pokemon that talked. Just thinking about it gives me the creep, don't go in there bolt. kaun sa pokemon ho sakta hai jo ki bol sakta hai? Bolne wala pokemon to legendary pokemons ho sakte hai, Mewtwo ho sakta hai, aur guys Meowth ho sakta hai. And yahan pe bahut sare opponents hai, ye hai route 24 guys, and route 24 mein mera chota sa pyara sa Bulbasaur evolve ho jayega guys. Okay Bulbasaur fir se vine whip ka use karo aur is bar isko hara do. Yes, हरा दिया गाइस, इट्स सुपर इफेक्टिव। अब देखते हैं मेरा बल्बसोर इवॉल्व होगा कि नहीं गाइस, देखते हैं कितना एक्सपी मिलता है। 59 एक्सपी, यस गाइस, यस 16 हो गया लेवल। अब देखने लायक होगा सीन, अभी देखने लायक होगा सीन। चलो देखते हैं गाइस, देखते हैं गाइस, अभी मजेदार होने वाला है ये सीन। ऑलराइट, ओह स्टॉर्म फ्लैट, 200 रुपीस मिल गया है मुझे और 3 पोकेबॉल्स। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है गाइस, वक्त आ गया है। ये यही है वो खास सरप्राइज गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हो आईविसोर बन गया है गाइस, आईविसोर बन गया है गाइस। रहा नहीं जा रहा है। ऑलराइट आप लोग देख सकते हो ग्रास पॉइजन टाइप पोकेमॉन, इसके बाद ये विनोसोर बनेगा गाइस लेवल 30 या समथिंग में। अब मेरा ये देखो गाइस आईविसोर अटक गया है। चलो आईविसोर आ जाओ गाइस आप लोग। मुझे मैंने इधर से देखा ना तो मुझे लगा वहाँ पे, एक मिनट, मैंने इधर से देखा ना मुझे लगा एक चार्मेंडर है वहाँ पे और मैं चार्मेंडर को पकड़ सकूंगा। चार्मेंडर चाहिए यार, अब तो एक फायर पोकेमॉन चाहिए और मुझे चार्मेंडर ही चाहिए यार। तभी तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक वेनोनाइट है और एक ट्रेनर भी है। चलो बात करके देखते हैं इस बंडे से क्या मुझे ये चार्मेंडर देगा। मुझे चार्मेंडर चाहिए यार। आई एम नॉट गुड एट रेजिंग पोकेमॉन, आई फील सॉरी फॉर चार्मेंडर बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सो आई वॉन्ट टू गिव इट टू अ बेटर ट्रेनर देन मी, आर यू इंटरेस्टेड? क्या बात कर रहे हो, आई हैव कॉट 50 पोकेमॉन, यू शुड कैच मोर देन दैट। ये अभी नहीं देगा मुझे। आई एम नॉट गुड एट रेजिंग, आई फील सॉरी फॉर चार्मेंडर बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सो आई वॉन्ट टू गिव इट टू अ बेटर ट्रेनर देन मी, आर यू इंटरेस्टेड? I have caught 50 Pokemon. You should catch more than that. अरे
मुझे 50 पोकेमन चाहिए यार इसको लेने के लिए, ये थोड़ी ना है, ये गलत बात है यार, 50 पोकेमन यार पकड़ना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो मेरा पीजी भी, मेरा छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा पीजी भी अभी इवॉल्व होने वाला है, तो चलो पीजी को भी इवॉल्व करते हैं। ऑलराइट 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 ओके पीजी ऑटो गाइस, पीजी ऑटो मजा आने वाला है गाइस, कांग्रेचुलेशंस योर पीजी इवॉल्व इनटू पीजी ऑटो। ओके मेरे पास अभी दो पोकेमॉन्स आ गए हैं इवॉल्व, मतलब मेरे पास अभी दो इवॉल्व पोकेमॉन है गाइस। अभी इस टाउन में और क्या करना पड़ेगा, चलो इस घर में घुस के देखते हैं क्या होता है गाइस। ऑलराइट ये कौन सा वाला लैब है गाइस, आप लोग देख सकते हो ये तो एक लैब है। ऑलराइट गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई आएगा शायद से मेरे से बात करने के लिए। ये क्या है गाइस, ये तो एक नीडो रिनो है, हिया आई एम ए पोकेमॉन, ये बात कर सकता है, तो इसी के बारे में शायद से बोल रहा था गैरी जो कि मेरा राइवल है। नो आई मीन आई एम बिल, कॉल मी बिल, आई एम ट्रू ब्लू पोकेमॉन फैनेटिक। ऑलराइट वॉच विद दैट स्केप्टिकल लुक, आई एम नॉट जस्ट जोशिंग यू पाल, आई स्क्रूड अप एन एक्सपेरिमेंट एंड गॉट कंबाइंड विद अ पोकेमॉन। तो ये मतलब एक पोकेमॉन के साथ कंबाइन हो चुका है गाइस, तो मुझे लगा था वो मियाउट है, लेकिन गाइस ये एक आदमी ही था, मतलब एक लड़का था जो कि फ्यूज हो चुका है एक नीडोरिनो के साथ। सो हाउ अबाउट इट, हेल्प मी आउट देयर। ओके तुम्हें हेल्प जरूर से करेंगे यार, कोई टेंशन नहीं, इधर बोल्ट है तुम टेंशन क्यों लेते हो। आई एम गोना क्लाइम इनसाइड द टेलीपोर्टर सो यू अंडर द सेल्फ सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। ओके 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 यू कैन डू इट फ्रॉम दैट पीसी ओवर देयर। ओके यू आर गोना डू इट फॉर मी राइट, डोंट लीव मी हैंगिंग। अरे करेंगे ना यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं सभी का हेल्प करता हूँ यार, सभी का हेल्प करते हो तुम तो यार, मेरा दोस्त हो यार। द स्क्रीन सेज समथिंग अबाउट अ टेलीपोर्टर। ओके तो ये जा रहा है अभी टेलीपोर्टेशन मशीन पे। वाओ आई शुड गेट इन देयर, डोंट मैच दिस अप। ओके आई विल डेफिनेटली नॉट मैच दिस अप। ओके तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको वापस से बिल में बदलवा दूंगा। मेरा टांग अटक रहा है गाइस। पीका तो ये अभी इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मैं आज सब चीज़ों को गलत गलत तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब ये अभी फिर से मतलब बिल को बिल बना रहा है और नीडोरिनो को नीडोरिनो बना रहा है, तो नीडोरिनो तो पहले की तरह नीडोरिनो बन चुका है एंड बिल पहले से एक बिल बदल। ओके तो ये आदमी है, ये लड़का नहीं है गाइस, एक बड़ा आदमी है गाइस। यूहू थैंक्स बट आई ओ यू वन, क्या दोगे तुम। यू गॉट योर पोकेमॉन बॉक्स राइट देयर इन योर बैग, if you ever catch too many pokemon and your box gets full, send some of those pokemon to professor oak, I bet he would be mighty thankful. to main apne pokemon ko bhej bhi sakta hu, look at me, I forgot my own head if it weren't attached, I should do something to thank you too, you did save me after all, here maybe this will help, ss ticket from bill, to is ticket ke sahare hum log cruise kar sakte hain, obviously guys hum log वर्मिलियन सिटी में जा सकते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच है और हम लोग सेल करके जाएंगे गाइस, मजेदार होने वाला है। दे इनवाइटेड मी टू सम पार्टी ऑन बोर्ड बट आई कांट स्टैंड फैंसी गैदरिंग। ओके तो मुझे जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हिम, देयर आर कपल ऑफ टिकट्स इन देयर सो हैव फन, हैव सम फन विद फ्रेंड और समथिंग, अपना फ्रेंड तो अपना पिकाचू, थैंक यू बिल फॉर द ऑसम टिकट। तो गाइस अभी हम लोग को जाना पड़ेगा वर्मिलियन सिटी, लेकिन वर्मिलियन सिटी जाने के लिए कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा गाइस, कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा। ओ तो यहाँ पे एक रूट है गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ऑलराइट तो मैं पीछे पीछे होके जा रहा हूँ अभी, और मेरे पीछे पीछे है मेरा प्यारा आईविसॉर। सो गाइस हम लोग निकल पड़े हैं इस सिटी से, सेरुलेन सिटी से हम लोग निकल पड़े हैं एंड आप लोग देख सकते हो मैं अभी रूट 5 में हूँ, और एक वहाँ पे एक फायर टाइप पोकेमॉन है ग्रोलाइट, मुझे ये ग्रोलाइट चाहिए, किसी भी मतलब तरकीब यूज करके मेरे को वो ग्रोलाइट चाहिए था यार, मुझे वो ग्रोलाइट चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे वो ग्रोलाइट चाहिए गाइस, मुझे दिख गया एक फायर टाइप पोकेमॉन जो कि मुझे चाहिए, लेकिन अरे यार जाएंगे कैसे अंदर यार। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो मैं ऐसे जा सकता हूँ, और 3 और ओ गाइस आप लोग देख सकते हो, चलो ग्रोलाइट को कुछ खिला के पकड़ेंगे ठीक है। प्लीज ग्रोलाइट मेरे हाथ में आ जाओ, मेरे पास फायर पोकेमॉन्स नहीं है, प्लीज और एक बार खिलाता हूँ इसको। नहीं यार पोकेबॉल नहीं फेंकना है अभी, और एक बार इसको रेज बेरी खिलाएंगे। प्लीज ग्रोलाइट, प्लीज प्लीज प्लीज
प्लीज मुझे तुमको पकड़ना है, मेरे हाथ में आ जाओ ग्रोलाइट। एक्सलेंट गाइस, शायद से इस बार मेरे हाथ में आ जाएगा ग्रोलाइट। यस गाइस यस, मैंने एक फायर टाइप पोकेमन फाइनली पकड़ भी लिया और इसको मैं जल्दी जल्दी करके इसको इवॉल्व कराऊंगा गाइस, अर्कनाइन बनाऊंगा, तब यार मेरे पास एक बहुत ही सुपर वाला फायर टाइप पोकेमन आ जाएगा। योर पोकेमन गॉट 119 एक्सपी पॉइंट्स गाइस, पिजियोटो ग्रू टू लेवल 19। एक फायर टाइप पोकेमन का कमी था और वो भी मुझे मिल चुका है गाइस। अभी हम लोग आराम से इस सिटी से जा सकते हैं और मुझे इस सिटी से जाने के लिए ये रूट पकड़ना पड़ेगा गाइस, और इस टनल को मैंने पकड़ लिया। आई एम ऑन गार्ड ड्यूटी एंड आई टेक माई ड्यूटी वेरी सीरियसली, बट गी आई एम एवर थर्स्टी, आई विश आई हैड सम टी टू ड्रिंक। ओ होल्ड ऑन डियर किड, आई एम अफ्रेड आई कैन लेट यू पास थ्रू हियर। लेकिन क्यों? अरे यार, इसको टी पिलाना पड़ेगा शायद से गाइस, टी पिलाना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे तो गैरी है, यू फाइंड थ्री नैना बेरीज, यहाँ पे गैरी भी है, गैरी से बात करके देखते हैं। ओह बोल्ट, हाउ आर यू, शायद से फिर से बदल करना पड़ेगा क्या। सीम्स लाइक वी कैन पास थ्रू द गेट डियर, बट वी डेफिनेटली कैन पास थ्रू दिस गेट राइट, बट द अंडरग्राउंड पाथ शुड टेक अस टू वर्मिलियन सिटी। यस गाइस, इट्स बिट डार्क एंड स्पूकी डो, यहाँ पे गाइस घोस्ट टाइप पोकेमन मिलने वाले। मैं सभी टाइप पोकेमन इकट्ठा करने वाला हूँ, घोस्ट टाइप हो, साइकिक टाइप हो, वाटर टाइप, रॉक टाइप, फायर टाइप, सब टाइप गाइस। एंड गाइस, क्या मुझे कांटो स्टार्टर्स को पकड़ना चाहिए, मतलब अपने टीम पे रखना चाहिए, स्क्वर्टल, चार्मेंडर, बल्बासोर तो है मेरे पास, पिकाचू भी है, क्या कहते हो गाइस, कांटो स्टार्टर्स को ढूंढे गाइस, मजा आने वाला है गाइस। टू रिवाइव्स मुझे मिल चुका है गाइस गैरी से, थैंक यू सो मच गैरी, थैंक यू सो वेरी मच। और गैरी कुछ देने वाला है, आर डोज एस एस टिकेट्स, ओके इसको एक दे सकता हूँ। You gave Gary one of your SS tickets. मेरे पास बहुत सारे SS tickets पड़े थे, Gary को भी दे दिया। Are you sure I can have this? You know I'm definitely going, right? Where you get this anyway? मुझे पूछ रहा है कहाँ पे मिला ये टिकट? ये you got it from the talking Pokemon? ये शॉक हो गया। It was a person after all. Well, I guess that's good to hear. He just forgot about the whole thing. Okay. I think I will press on ahead. See you there. तो ये Vermilion City की तरफ जा रहा है। तो मुझे वर्मिलियन सिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए गाइस। एंड एक मिनट गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे पार्टी में, ओ हेल्थ सारे के सारे, मतलब सभी पोकेमन्स के हेल्थ फुल है। मुझे लगा कुछ पोकेमन्स के हेल्थ अभी वीक है। ये कौन है आदमी, इससे बात नहीं करें, कुछ देगा शायद से, एक बार बात करके देखते हैं गाइस। When my Pokemon is on my shoulder, it will let me know with its tail when there is an item on the ground nearby. Okay. ये म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। रेपल मिला गाइस, रेपल की मदद से हम लोग ऑब्वियसली आप लोगों को बताए यूज़ करेंगे तो पोकेमॉन्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मेरे को पोकेमॉन चाहिए अभी देखने का, अभी मुझे पोकेमॉन चाहिए, मुझे देखना है कि कौन कौन से पोकेमॉन्स मुझे मिलने वाले हैं इधर। और ये तो अंडरग्राउंड टनल है एंड मुझे इधर आइटम्स ही आइटम्स मिलते जा रहे हैं। फाइंड ए लियोर, फिर से एक लियोर मिला गाइस, इसको बैग में रख दिया मैंने। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। गाइस हम लोग वर्मिलियन सिटी पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये है वर्मिलियन सिटी। एंड गाइस यहां से हम अपना पोकेमॉन जर्नी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एपिसोड 4 में। अभी तक आप लोग को ये वाला एपिसोड कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोलिएगा गाइस। एंड ये तो स्ट्रीट फाइटर का मेन कैरेक्टर रियू जैसा दिख रहा है ना, तो चलो गाइस कल अपना पोकेमॉन जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड इधर तो एक जिम भी है गाइस, और यहाँ पे एक मैजिक कार्ड भी है। एंड गाइस मुझे मैजिक कार्ड भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक कार्ड से हम लोग गैराडोस में इवॉल्व करा पाएंगे मैजिक कार्ड को। तो गाइस मिलते हैं कल इसी समय पे गाइस, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट करना कि आप लोगों का कांटो रीजन में से कौन सा सबसे फेवरेट पोकेमॉन है, ठीक है, और इसको सिर्फ बैरी से दिखाई दे रहा है अभी। ओके गाइस मिलते हैं गाइस कल, अपने पोकेमॉन को लेकर के आएंगे फिर से आप लोग को दिखाएंगे। और बल्बासोर बेचारा, इसको कुछ मिला है, बेरीज मिला है, दे रहे हो बल्बासोर मुझे, ये हंस रहा है आप तक देख सकते हो। ओके और ये खुश है कि मैं रिसेंट बैटल जीत पाया। एंड गाइस ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो एकदम गाइस, पोकेमॉन के सीरीज देखते रहो, मुझे भी देखते रहो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दो अपने बोल भाई को सपोर्ट दिखाने के लिए। बाय बाय गाइस, लव यू।